क्या आप चाहते हैं कि आपके पास लग्जरी कार, बंगला और इतना पैसा हो कि आपको कुछ भी खरीदने से पहले दोबारा सोचना ना पड़े? अगर आप ये सब चाहते हैं तो यह बुक समरी आपके लिए है। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, इसके ऑथर हैं टी हार्व एकर। यह बुक वर्ल्ड की मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। ऑथर ने दावा किया है कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। यह बात ऑथर इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलेनियर, बिलेनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है। ऑथर वेल्थ प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं जो है TFAR। यहाँ टी का मतलब है थॉट्स, एफ का मतलब है फीलिंग्स, ए का मतलब है एक्शंस और आर का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को जन्म देते हैं और हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं हमारे एंड रिजल्ट्स को। दोस्तों, इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शन और रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हैं कि यह पैसा बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन वहीं आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शंस भी उतने बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा कमाते हो और रिजल्ट्स में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होना चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन तीन एरियाओं से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर वन, वर्बल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा अपने आसपास के लोगों, इन्वायरमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसा कि गरीब पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना, ज़्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, ये अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, यह सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्दों और अपने बातों से अनकॉन्शियसली डालते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। नंबर दो, मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेके हैबिट्स और शौक, लाइफ स्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पूरी कंडीशनिंग को बदलना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। नंबर तीन है, स्पेसिफिक इंसिडेंस। दोस्तों, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे कि आपके फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त और गरीबी जैसी कठिनाइयों से गुजरना, यह सब देख के आपको पैसों के इम्पोर्टेंस का पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसी सिचुएशन से दोबारा ना देखनी पड़े। खैर, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग ज़्यादा पैसा कमाने चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसको पैसा पसंद ना हो, लेकिन सेल्फ मेड मिलेनियर वही बन जाते हैं जो नीचे बताए जाने वाले सभी 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं
और यही 17 वेल्थ फाइल्स शो करती है कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितने बड़े डिफरेंसेस होते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1, दोस्तों रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस और ज़्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में ज़्यादा फोकस लगाते हैं। वेल्थ फाइन नंबर 3, अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खुद से यह वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूँगा, तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पर काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए कामयाब कोशिश नहीं करते, वो अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शंस नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4, दोस्तों रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपनी लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। दोस्तों अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो बहुत चांसेस है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप ज़रूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। आज अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हैं तो आगे की ज़िंदगी आसान रहेगी। वेल्थ फाइल नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं बजाय गरीब लोगों की तरह मुश्किलों और कठिनाइयों पर फोकस करने के। वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। दोस्तों तभी बहुत लोग यह बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसा कमाते हैं, अरे पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं जिनके लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस हो ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सकें, वहीं गरीब लोग लूज़र लोगों के साथ रहना और उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8, दोस्तों अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंस होते हैं तभी वो बिजनेस सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना सेल्स मार्केटिंग को गलत नज़रिए से देखते हैं, तभी वो उनसे ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति भी अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेलिंग कर रहा है तो उसे भी गलत नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपने सर्विसेज के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 9, दोस्तों रिच लोग अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं तभी वो किसी भी प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर के और बोझ से हमेशा खुद को कमज़ोर समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रेस्पेक्ट, वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं यानी कि लो सेल्फ इस्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिज़र्व ही नहीं करते, इवन अगर कोई उनकी तारीफ़ कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है यह उनको पता ही नहीं होता है सिर्फ लो सेल्फ इस्टीम की वजह से। वेल्थ फाइन नंबर 11, दोस्तों रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम चूज करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते और या हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे,
वहीं रिच लोग डिफरेंट चीज़ें और ऑप्शंस पे ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13, रिच लोग अपने नेटवर्थ पे फोकस करते हैं, यानी कि वो यह देखते हैं कि ओवरऑल असेट्स और सेविंग्स इन्वेस्टिंग को मिला के उनकी मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट के हेल्प से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज़ और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही अपने अमीर बनने के जर्नी में बाधा बनने देते हैं दोस्तों। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं लेते और उनका यही डर उनकी ख्वाहिशों और सपनों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। वेल्थ फाइल नंबर 17, दोस्तों रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह इंसान ज़िंदगी में कभी भी गर्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया है और उसने ज्ञान के दरवाजे को अपने ही हाथों से बंद कर दिया है, इसलिए वे अपने लिमिटेड बिलीफ्स के सहारे जी रहे हैं। इसी के साथ हमारी बुक समरी कंप्लीट हो गई है।